हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो देखो पहले एक छोटा सा डायग्राम, कौन कौन से पॉइंट है, कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, -1.6। अगर डिवाइड करता है और हम लोग को रेशियो निकालना होता है तो हमेशा रेशियो क्या लेना होता है, k:1 का। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, लेट रेशियो कौन सा हो जाएगा अपने पास, k:1 का। अब कौन सा फॉर्मूला लगता है हमेशा, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में देखो x1 y1, x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 6 और x की वैल्यू -1 है। ठीक है, y1 10 है, y2 -8 है और y कितना हो जाएगा अपने पास 6। m1 k है, m2 1 है। ठीक है, अब अपना इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना अपना, x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये किसके बराबर होगा, x, y। ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करना है, या तो x को बराबर कर लो नहीं तो y को। ठीक है, उससे एक से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हम लेके काम करते हैं, x वाले को ले लेते हैं। x का आंसर कितना है बच्चे हमारे पास, x1 m2 m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो x की वैल्यू कितनी दी है, -1, x1 कितना लिखा है हमारे पास, -3। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी दी है, 1, m1 k है, x2 6 है, अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा, -k -1, इसको इससे -3।